नमस्कार दोस्तों, हेलो, नमस्कार, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव। दोस्तों, मैं एडवोकेट जयप्रकाश राजभर यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों का को प्रणाम करता हूँ और अपने युवा साथियों को नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं इतिहास प्रचार प्रसार के बारे में कुछ कहना चाहूंगा, सिर्फ दो मिनट ही लूंगा आप लोगों का। दोस्तों, हमारे इतिहास के प्रचार प्रसार को करना बहुत जरूरी है। ये मैं डायरेक्ट फैक्ट पर आ रहा हूं। इसके पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ पर जो संगठन है जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा और इनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा। दोस्तों, हमारे इतिहास के संरक्षण का काम बहुत जरूरी है। आप लोगों को बता दें कि हमारे समाज में अंतिम लाइन में, अंतिम पंक्ति पर खड़े हमारे ही समाज के लोगों को हमारे साम्राज्य के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्हें जानकारी है लेकिन महाराजा सुहेलदेव राजा थे इतना तक जानकारी है, लेकिन प्रैक्टिकली हमारे साम्राज्य के बारे में जानकारी नहीं है। मैं यहां आपको बता दूं कि हमारा जो साम्राज्य, जो इतिहास, जो राजभर समाज का इतिहास था, वह काफी समृद्ध था, वह काफी महान था। आपको जानकर आश्चर्य होगा, बहुत सारे लोग जानते भी हैं, फिर भी मैं बताना चाहूंगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा मित्रों कि हमारा राज, जो भरों का राज था, भर समाज का राज था, वह अवध से लेकर यानी कि लखनऊ से लेकर सतना तक था। सतना तक हमारा राज था और गजेटियर में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट में बकायदा बताया गया है कि हम यहाँ के असली धरती पुत्र थे, हम यहाँ के जमीनों के मालिक थे। लेकिन आज हालत यह हो गई है कि 2005 का जो सर्वे किया गया है राजभर समाज के ऊपर, उसमें आया है कि 90% राजभर समाज के लोगों के पास जमीनें नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी हालत खराब कर दी गई धोखे के साथ, साम दाम दंड भेद करने के साथ। तो मैं दोस्तों ये इतिहास के प्रचार प्रसार के लिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज भी हमारा समाज आज भी कुंठित मानसिकता से ग्रसित है। तो यह है, उनके अंदर हीन भावना है और वह आज भी उनके अंदर डर की भावना है। उनका उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है। जब तक हम उनको ये बताएंगे नहीं कि वो कौन है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आएगा। हमारे जो युवा बच्चे हैं, हमारे जो ये आने वाली नस्लें हैं, जो बच्चे हैं, उनको ये बताना जरूरी है कि वो क्या है। उनका जो भविष्य है वो इस पर निर्भर है। जिसका इतिहास नहीं है उसका कोई भूगोल नहीं है, और जिसका भूगोल नहीं है उसका कोई भविष्य नहीं है। इसलिए दोस्तों, आपको ये जानना जरूरी है, इसके साथ आपके बच्चों को शिक्षा दीजिए। आज अगर किसी युवा से पूछा जाए कि बताओ अब हमारे इतिहास को, अपने इतिहास के बारे में क्या जानते हो, तो वो बताएंगे केपी जायसवाल के बारे में, वो बताएंगे फलाने इतिहास के बारे में। लेकिन आपको पता है इन सब किताबें, ये सारी किताबें कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, ये कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। तो एडमिसिबल क्या है यह बताना बहुत जरूरी है, तब हमारा युवा, हमारे समाज के लोग कॉन्फिडेंस के साथ, दूसरे समाज के लोगों के साथ, गर्व के साथ कह सकेंगे कि हमारा इतिहास समृद्ध था, हमारा इतिहास महान था। और अमर रहे, अमर रहे। दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जितने युवा साथी हैं, रिक्वेस्ट करूंगा हमारे वरिष्ठ जनों से कि वह जिसे जिसे जानते हैं सारे लोगों को बताएं कि हमारा इतिहास का स्रोत क्या है। हमारे इतिहास का स्रोत गजेटियर्स है, चाहे अवध गजेटियर हो, चाहे बहराइच गजेटियर हो, चाहे बहुत सारे गजेटियर है, तो ये गजेटियर हमारे स्रोत है। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो रिपोर्ट है वो स्रोत है। आखिर ये है क्या, कितने लोगों ने इसे देखा है, यह जानना जरूरी है। और इसी क्रम में मुझे लगा कि हमारे युवा और हमारे समाज के लोग ये इसके बारे में बहुत कम जानते हैं, और इस जानकारी को देने के लिए दोस्तों मैंने छोटा सा प्रयास किया और YouTube पर ऑडियो बुक लॉन्च किया हो।
ये ऑडियो बुक राजभर न्यूज के नाम से है। ये हमारे कुछ टीम के लोग इसे लॉन्च करते हैं जिसमें ऑडियो में आवाज हमारी होती है, लेकिन उसमें चित्र का जो उपयोग किया गया है वह गजेटियर में है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे है, ताकि हमारे युवा लोग ये जान सके, ये देख सके कि गजेटियर होता क्या है, क्योंकि यही एक एविडेंस है। आपको बता दें कि बंबई के अंदर वरुण धवन, आप लोग जानते होंगे वरुण धवन बहुत बड़े फिल्म स्टार है, अमित त्रिपाठी बहुत बड़े लेखक हैं, इन लोगों ने एक किताब लॉन्च किया और वो छपने को तैयार था, उन्होंने उसका कवर लॉन्च किया था और वो राजभर समाज को किसी और समाज का बता रहे थे। कितना बड़ा अन्याय हो रहा था हमारे समाज के साथ और कोई बोलने वाला नहीं था, लेकिन हम सारे लोग उसके खिलाफ खड़े हुए, पुलिस कंप्लेन फाइल की गई, कोर्ट में उनके खिलाफ नोटिस दिया गया और इस कदर उनको मजबूर किया गया कि उन्होंने लिखित में माफी मांगा है, उन्होंने लिखित में माफी मांगा है। और इसी तरह हमारी लीगल टीम बन गई है जिसमें आदानी MBG और सारे उपस्थित लोग उस लीगल टीम में है, और हम लोग ये देख रहे हैं कि बहुत सारे अन्य कास्ट के लोग, मैं उनका जाति का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बहुत सारे अन्य जाति के लोग महाराजा सुहेलदेव को कह रहे हैं कि हो हमारे जाति के हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं और उनके ऊपर किताब भी लॉन्च किया है, उन लोगों ने महाराजा सुहेलदेव फलाने हैं, फलाने जाति के हैं, ऐसा कहकर किताब भी लॉन्च किया है। लेकिन आपको जानकारी दे दूं, मैं ज्यादा जानकारी देना नहीं चाहूंगा क्योंकि हमें बताया गया है कि अभी इसे गोपनीय रखा जाए, लेकिन इतना मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि उन सारे लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, ये हमारा वादा है दोस्तों। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब हमारा राज अवध लखनऊ से लेकर सतना तक था तो आज हमारी हालत इतनी खराब क्यों हो गई। लोग मजाक में कहते हैं बहुत सारे अन्य के समाज के लोग मेरे भाई राजा है, लेकिन उनकी भी हालत देखिए। ये जो वो समाज के लोग हैं, जनरल कैटेगरी के मैं बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन आज उनको 10